Hey, what's up everybody? कैसे हो आप सब? वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। वी आर गोइंग टू लास्ट चैप्टर है ये आपका, है ना? और इसका नाम क्या है? मैथ्स एंड मी। तो लास्ट चैप्टर आपका जो मैथ्स एंड मी है, इसमें क्या है, जितने चैप्टर्स अब तक आपने पढ़े हैं हाफ ईयरली के बाद से, जितने चैप्टर आपने पढ़े हैं, इन्हीं में से कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को इस चैप्टर में इंक्लूड कर लिया गया है। तो देखिए, लेट्स ट्राई, वन से ही स्टार्ट करेंगे कि कोई नई चीज़ नहीं बतानी है, सब आपकी की हुई चीज़ें हैं। देखिए, फर्स्ट है लेट्स ट्राई वन में, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म आप कर चुके हैं, है ना? क्या करना है, इन नंबर्स को हंड्रेड्स, टेंस और वंस में लिखना है, ठीक है? देखिए 320, ठीक। तो इसको हम क्या करेंगे, 300 प्लस 20 और वंस का नंबर क्या है, जीरो है, तो हम वंस में जीरो लिख देंगे। 825, एट क्या है, हंड्रेड्स का नंबर है, 100 प्लस टू क्या है, टेंस का नंबर है, टू टेंस हो गया, और फाइव क्या है, वंस का नंबर, यहाँ हम फाइव लिख देंगे, ठीक है। फिर 402, फोर जो है वो क्या है, हंड्रेड्स का नंबर है। अब देखिए टेंस में जीरो लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, टेंस में जीरो लिख देंगे, ठीक। फिर वंस का नंबर क्या है, टू, तो हम यहाँ पर टू लिख देंगे। 642, 606 क्या है, हंड्रेड्स का नंबर है, हम पढ़ भी रहे हैं वैसे ही। 44 क्या है, ये टेंस का नंबर है, और 2 क्या है, ये क्या है, वंस का नंबर है। लास्ट वन 732, तो 7 में 7 क्या है, हंड्रेड्स का नंबर है, 3 क्या है, वो टेंस का नंबर है, और 2 वंस का नंबर है, ठीक है ना? आप जिस तरह पढ़ते हैं उसी तरह आपको इसमें अलग अलग करके लिखना है। नेक्स्ट है राइट प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट। जो सर्कल में डिजिट है उसका प्लेस वैल्यू लिखना है। सेम चीज़ है, तरीका अलग है। देखिए 320, जिसमें जीरो को सर्कल किया है, तो जीरो क्या है, वंस, टेंस, हंड्रेड, तो वंस का नंबर है, तो हम क्या लिखेंगे, जीरो वंस, ठीक है। फिर ठीक है, फिर बी देखिए 528, एट को सर्कल किया, एट क्या है, वंस का नंबर है, वंस, टेंस, हंड्रेड, तो ये वंस का नंबर है, फिर हम लिखेंगे एट वंस, ठीक है। अब 666, और बीच वाले सर्कल, बीच वाले को सिक्स को सर्कल किया है, ठीक है, तो वंस, टेंस, हंड्रेड, मतलब टेंस के नंबर को क्या किया है, सर्कल किया है, तो हम क्या लिखेंगे, सिक्स टेंस। फिर है 957, जिसमें 9 को सर्कल किया है, वंस, टेंस, हंड्रेड, यानी 9 क्या है, हंड्रेड्स का नंबर है, हम लिखेंगे हंड्रेड्स, 9 हंड्रेड्स। फिर देखिए 719, है ना, तो 7 क्या है, वो हंड्रेड्स का नंबर है, हम पढ़ भी रहे हैं 700, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 7 हंड्रेड्स। अब है फिल इन द बॉक्सेस। ये इसमें क्या करना है, आपने नंबर्स थे इनको एक्सपेंड किया था, अब क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा है, आपको शॉर्ट फॉर्म लिखना है। 720 प्लस 4, है ना, तो 724 हम क्या लिखेंगे, 724। इस नंबर को इसी तरह पढ़िए, देखिए 387 नंबर मिल गया आपको, 387 आप लिख दीजिए, 387। फिर देखिए 965, 900 है, 60 और 5 है, तो 965, ठीक है। 679, फिर है 210 और 1, 10 कितना होता है, 10 और 3 क्या होता है, 13, 213, ये आपका थर्ड वाला कंप्लीट हो गया।
अब आइए लेट्स ट्राई टू में। आपने टेबल पढ़ा है, टेबल आपको आती है, सेम टेबल है। करना क्या है इसमें, आपको ये मल्टीपल उसमें दिया है, मल्टीप्लाई कर करके आपको लिखना है। तो फाइव फोर जा, जो यहाँ पे नंबर दिए हैं उन सबको फोर से मल्टीप्लाई करना है, मतलब फोर जा आपको लिखना है। फाइव फोर जा 20, नाइन फोर जा 36, सेवन फोर जा 28, टू फोर जा 8, सिक्स फोर जा 24 और फोर फोर जा 16। ठीक है, फिर देखिए इधर, ठीक है फिर देखिए इधर भी, फोर थ्री जा 12, सिक्स थ्री जा 18, थ्री थ्री जा 9, टेन थ्री जा 30, एट थ्री जा 24 और सेवन थ्री जा 21। इसी तरह देखिए, ये मैंने आपको दो बताया है, दो और हैं आपके बुक में, है ना। देर आर टू मोर, यहाँ पे किससे करना है, टू से मल्टीप्लाई करना है और थ्री से मल्टीप्लाई करना है। नंबर्स आपके लिखे हुए हैं, इसी को आप मल्टीप्लाई करेंगे। खुद से करिएगा, नहीं तो कंटेंट में भी मैं दूंगी, ठीक है। फिर देखिए लेट्स ट्राई थ्री, लेट्स ट्राई थ्री में क्या करना है, कंप्लीट द नंबर्स बॉन्ड। यहाँ पे एक नंबर दिया है, उसका कुछ पोर्शन यहाँ लिखा हुआ है, दूसरा पोर्शन कितना होगा ये आपको लिखना है, ठीक। 10 है, 10 में से 3 दिया हुआ है, 10 का एक पार्ट 3 दिया हुआ है, तो दूसरा पार्ट क्या होगा, आप सिंपल ऐसे समझ लीजिए कि आप 10 में से 3 को माइनस कर दीजिए, है ना। या आप ये सोचिए कि 3 में हम क्या प्लस करें कि 10 नंबर हो जाए, तो 3 में हम कितना प्लस करेंगे कि 10 होगा, 7 प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा। 9 और 9 मेन नंबर है और 4 दिया हुआ है आपका, तो 9 का 4 एक पार्ट 4 है, तो दूसरा पार्ट क्या होगा, 4 में हम कितना प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा, 5 प्लस करेंगे तो, यहाँ देखिए 5 प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ फिर 9 दिया है, एक पार्ट क्या कितना दिया है, 3 दिया हुआ है, 3 दिया है तो अब हम कितना प्लस करेंगे, 6 प्लस करेंगे। 6 प्लस करने पे 9 में 3 दिया है, 6 प्लस करेंगे तो 9 कंप्लीट होगा। फिर देखिए यहाँ पे दो पार्ट में नंबर दिया हुआ है, मेन नंबर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 3 और 3 को प्लस कर देंगे, 6 आ जाएगा। 8 है, 8 में 3 दिया हुआ है, एक पार्ट क्या है 3 और दूसरा पार्ट कितना होगा, 3 में कितना प्लस करें, 5 प्लस करने पे 8 होता है ना। फिर देखिए 10 है, अब 6 एक पार्ट 6 दिया हुआ है, दूसरा पार्ट कितना होगा, 4 होगा तो 10 कंप्लीट होगा। आप देखिएगा जो इधर नंबर दो दो नंबर लिखे गए हैं, इनको प्लस करने पर सेम ये नंबर आ रहा है या नहीं, अगर आ रहा है तो आपका क्वेश्चन राइट है और अगर नहीं आ रहा है तो आपका रॉन्ग हो रहा है। इसी तरह इसमें हमने आपको 6 तक बताया है, 7, 8 भी है जिसको आपको करना है, वैसे मैं आपको कंटेंट में भी इसको सेंड करूँगी। और नेक्स्ट डे आपका लेट्स ट्राई 4 स्टार्ट।